दोस्तों आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में टीचर पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे मैं इसकी अगर फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट की डेट की बात करूं तो 10/9/2024 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप 25/10/2024 तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर जर्नल या OBC से आते हैं तो 385 रुपये की आपकी फॉर्म की फ़ी लगेगी और SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 385 रुपये ही फॉर्म की एप्लीकेशन फी लगने वाली है। आगे आपकी एग्जामिनेशन सेंटर जो बनाई गई है वो प्रयागराज, कानपुर, आरा, वाराणसी, इस तरह की कई सारी एग्जामिनेशन सेंटर बनाई गई है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो उसमें सारी चीजें दी गई है। आगे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 40 साल एज रखी गई है और जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसके लिए 57 ईयर की एज लिमिट रखी गई है। उसी तरह आप नीचे आएंगे तो आप अगर हिंदी टीचर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री इन हिंदी विद BEd डिग्री आपकी होनी चाहिए तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहां पर सारी चीजें दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आप यहां पर एक बार इसे रीड करेंगे। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही एक लिंक दी है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पर आएंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके लिए रजिस्टर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में कैंडिडेट डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होगी। अब अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर ली है दोबारा इस फॉर्म में लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी फ़ोन नंबर और पासवर्ड को एंटर कर इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब आपको यहाँ पर अपनी नाम इंटर करनी है, मोबाइल नंबर इंटर कर देनी है, ईमेल आईडी इंटर कर देनी है, फिर आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। पासवर्ड आपके 7 कैरेक्टर की मिनिमम होनी चाहिए और उस पर अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह की सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। उसके बाद उसी पासवर्ड को कन्फर्म करनी है, फिर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप किसी दुकान या फिर साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो अब आपको किसी भी दुकान या फिर साइबर कैफे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और आपकी जो फॉर्म की फी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तक हमारी टीम ने 400 से प्लस कैंडिडेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो हमारे थ्रू की है। तो अगर आप चाहे तो इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू ऑनलाइन करवा सकते हैं, नीचे नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आपको क्या करनी है, सारी डिटेल इंस्टॉल करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर की होगी उस पर एक OTP सेंड की हुई होगी। आपको OTP यहाँ पर ईमेल की OTP इंटर करनी है, फिर मोबाइल की OTP इंटर करनी है, देन वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है और किसी कारणवश अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP या ईमेल पर OTP नहीं जाती है तो आप रिसेंट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की एक पॉपअप आ जाएगी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का, तो अब आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको कुछ सेकंड वेट करनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर को आपको एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने बनाई थी उस पासवर्ड को एंटर करनी है, देन लॉग इन कर लेनी है। लॉगिन करते ही अब आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। सबसे पहले आप जिस पोस्ट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं उस पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मीट कर रही होगी उस पोस्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आप किस स्ट्रीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पर अपनी फुल नेम इंटर करनी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन से ही आपकी यहाँ पर फेच कर ली जाएगी। फिर फादर्स नेम इंटर करनी है, मदर्स नेम इंटर कर लेनी है, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेनी है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। उसी तरह से यहां पर आपसे आपकी जेंडर पूछी जाएगी, आप यहां पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी पूछी जाएगी, आप यहां से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेशनलिटी आपकी यहां पर इंडियन आपको दिखाई देगी, आधार कार्ड के नंबर को आपको यहां पर इंटर करनी है, फिर आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि क्या आप किसी आर्मी पर्सन के हस्बैंड या फिर वाइफ है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहां पर नो कर लेनी है, फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ यहां पर आपकी पूछी जाएगी, उसे आप इंटर
करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपकी पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी स्टेट को चूज करनी है, डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, सिटी चूज कर लेनी है, फिर आपको अपनी फुल एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद अगर आपकी परमानेंट एड्रेस भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस के तरह सेम है तो आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर लेनी है, और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको मैनुअली दोनों एड्रेस को एंटर करनी होगी। फिर आपसे यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर लेनी है। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे प्रोफिशिएंसी पूछी जाएगी आपकी एग्जामिनेशन की, तो अगर आपकी इंग्लिश टीचिंग में प्रोफिशिएंसी है तो आपको यस करनी है, हिंदी में है तो आपको यस कर लेनी है। फिर अगर आपने सीटेट या फिर टीईटी के एग्जाम को पास किया है तो आप यहाँ पर पास करेंगे, या फिर अप्रूव्ड है तो अप्रूव करेंगे, नॉट अप्रूव्ड है तो नॉट अप्रूव्ड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपको नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, फिर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में आपकी एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी, तो सबसे पहले टेंथ की डिटेल्स आपको एंटर करनी है, सब्जेक्ट, उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड और यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने टेंथ पास की है उसको आपको एंटर करनी है। फिर ईयर ऑफ पासिंग पूछी जाएगी, आपने कब टेंथ के एग्जामिनेशन को पास की थी तो उसे एंटर करनी है। फिर आपकी परसेंटेज या CGPA कितनी थी उसे आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसी तरह से ट्वेल्थ के डिटेल्स को आपको एंटर करनी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आपको यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई है, जैसे कि आपने BEd या फिर DLed इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन करके रखी है तो आप उसे यहां पर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी डिटेल्स को यहां पर इंटर करेंगे। और आपके पास अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसे यहां पर नीचे भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद सारी एजुकेशन डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब एजुकेशन डिटेल्स इंटर करने के साथ ही अब आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक पॉपअप आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, फिर अब यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देनी है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपनी टेंथ की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं आप। DOB के प्रूफ के लिए यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक करनी है, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही अब आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन की फी पेमेंट करने के लिए एक पॉपअप आ जाएगा। सबसे पहले आप यहां पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने एप्लीकेशन की प्रीव्यू आप यहां पर देख सकते हैं, और अगर आपको लगती है कि कोई चीजें आपने गलत इंटर कर दी है तो एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप उसे दोबारा एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको लगती है कि सारी चीजें सही है तो आपको यहां पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर अपनी फॉर्म की प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। अब आपके सामने में आपकी फी की पेमेंट के लिए यहां पर एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहां पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करनी है, कंटिन्यू करनी है, उसके बाद आपको यहां पर स्कैनर दिखाई दे रही होगी, आप स्कैनर को अपने UPI एप्लीकेशन से स्कैन कर अपनी एप्लीकेशन फी को पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के साथ ही आपकी जो फॉर्म की जो फाइनल कॉपी होगी वो डाउनलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और वहीं से आप अपने फॉर्म की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर भी रख सकेंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी AWES के इस फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन करना सीख चुके होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू आप फिल करवा सकते हैं। आगे वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।